मसीह में भाइयों बहनों को शांति हो। आज का हमारा वचन है भजन संहिता 119 और उसका 174वां पद, जो कहता है, हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रभु का वचन, प्रभु का दास दाऊद कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रभु ने जो भी उसको दिया है, जो बातें प्रभु ने उसको कही, उन सब से वो खुश है, क्योंकि वो हर बात में प्रभु की इच्छा को जानना चाहता है कि प्रभु उसको क्या कह रहा है। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं, कुछ भी आगे करने से पहले हर समय इजरायली लोग प्रभु की इच्छा को जानते थे, वैसे ही आज प्रभु यीशु हमारे लिए उसी इच्छा को हमारे लिए रखा हुआ है। हमारे हर काम, हर बात और हर नए स्टेप के आगे प्रभु यीशु को हम पूछ सकते हैं, प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, या इस बारे में आपकी क्या मर्जी है। जब उनकी इच्छा हमारे साथ होगी तो हम हर काम में सफल होंगे। हमारी इच्छा नहीं, पर प्रभु की इच्छा जो होगी वो काम हमेशा सफल होगा। किसी और के पास मत जाइए, किसी और के पास नहीं, ना अपने पास्टर के पास, ना ही अपने गुरु के पास, ना ही कोई भी ऐसा व्यक्ति कि जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या वो आपके लिए प्रेयर करता है। प्रभु का जो रिलेशन है वो सीधा रिलेशन है, उसमें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु जब आपके पाप माफ़ करता है तो वो आपके सीधे पाप माफ़ करता है, किसी और के पाप नहीं। वैसे ही प्रभु सीधा आपके लिए आया है, जो भी बात है वो सीधी आपकी और प्रभु के बीच में डायरेक्ट होगी। प्रभु की इच्छा को जानिए और जो भी करेंगे वो ज़रूर बरकत पाएगा। चाहे हम शादी के बारे में सोच रहे हो, चाहे हम नई जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे हम कोई बिजनेस खोलने वाले हो, चाहे हम किसी जगह पे एडमिशन लेना चाहते, कुछ पढ़ाई करना चाहते, कहीं बाहर जाना चाहते, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो भी उसमें प्रभु की मर्जी को जानिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी मर्जी हो वो प्रभु की मर्जी हो। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के इरादे आपसे बहुत अलग हैं, क्योंकि वो हमसे सब कुछ बेस्ट देना चाहता है। हम खोज रहे हो पेंसिल को और वो हमें पेन देना चाहता हो, जैसे हम खोज रहे हो पानी को और वो हमें खीर देना चाहता हो, हम साइकिल ढूंढ रहे हो और वो हमें कार देना चाहता हो। प्रभु के वचन में उसकी मर्जी लिखी होती है। प्रेयर में बैठिए और प्रभु से मांगिए कि आपकी क्या मर्जी है वो हमें बताइए। जैसे 119वें अध्याय में ही आगे 18 कलम में जो लिखा है कि मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूँ। प्रभु का मन हमारे अंदर होना चाहिए, जैसे प्रभु सोचता है वैसे ही हमारी सोच होगी। ये कब होगा? जब हम हरदम प्रभु के साथ उसकी मर्जी के हिसाब से चलते रहेंगे, तब हम हर पल हम प्रभु को अपने साथ फील करेंगे, जैसे वो हमारे साथ चल रहा हो। थोड़े पलों के लिए हम आज भी फील करते हैं, पर जैसे ही हम थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, हमें फील होता है कि नहीं, प्रभु हमसे बहुत दूर हो चुके हैं, के साथ जाना बड़ा मुश्किल है। ये कभी ना होने दे। हर पल प्रभु की इच्छा को खोजिए, तब प्रभु आपके साथ ही होगा, आपको फील होगा, वो हर दम उसकी प्रेजेंस को आप महसूस कर पाएंगे। आइए हम प्रभु की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर दे, जिससे कि उसकी प्रेजेंस को, उसके दिए गए व्यवस्था को हम खुशी से महसूस कर पाए। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, हमारे जीवनों को आपके चरणों में रख देते हैं, आपकी मर्जी हमें दिखाइए। हमारी मर्जी घटती जाए, हमारी बातें घटती जाए, पर आपकी बातें और आपकी मर्जी हमारे जीवन में काम करे। पूरी तरह से हमको बदल दीजिए, नया इंसान, नया जीवन हमें दे दीजिए प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।